नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, राजद के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह झटका दिया है। एक और मामले में अब प्रभुनाथ सिंह दोषी करार दिए गए हैं। विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे प्रभुनाथ सिंह को एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 1995 में मसरख के एक मतदान केंद्र पर दो लोगों की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में अब प्रभुनाथ सिंह जो है दोषी पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है। तो अब देखिए, प्रभुनाथ सिंह को जोरदार झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने 1995 के चुनाव में प्रभुनाथ सिंह के कहे अनुसार वोट नहीं करने पर छपरा के मसरख में राजेंद्र राय और दरोगा राय की हत्या के केस में पूर्व सांसद को दोषी ठहराते हुए सजा पर बहस के लिए 1 सितंबर की तारीख तय की है। यानी कि अब 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सजा पर फैसला करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें दोषी मान लिया है, तो 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट यह फैसला किया करेगा कि प्रभुनाथ सिंह को कितनी सजा दी जाए। और इसको लेकर प्रभुनाथ सिंह को सशरीर हाजिर भी होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को प्रभुनाथ सिंह को पेश करने को कहा है, जो इस समय एक दूसरे मर्डर केस में जेल में ही सजा काट रहे हैं। आपको बता दें कि प्रभुनाथ सिंह बिहार के महाराजगंज लोकसभा सीट से 3 बार जदयू के और 1 बार आरजेडी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। अपने क्षेत्र के, अपने इलाके के बाहुबली नेता माने जाते हैं। और अभी अशोक सिंह, जो कि मसरख के ही विधायक थे, उनकी हत्या के मामले में प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा हुई है। झारखंड के एक जेल में वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। साथ में उनके भाई दीना सिंह भी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो अब प्रभुनाथ सिंह को राहत के बदले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। मसरख में 1995 में दो लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया है और 1 सितंबर को अब जो है सजा पर सुनवाई होगी। यानी कि 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करेगा कि प्रभुनाथ सिंह को क्या सजा सुनाई जाए। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है, महाराजगंज के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह की मुश्किलें जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें दोषी पा लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले निचली अदालत ने इस मामले में प्रभुनाथ सिंह को दोषी नहीं ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड मामले में प्रभुनाथ सिंह को दोषी पाया है और 1 सितंबर को सजा पर फैसला सुनाई जाएगी। यानी कि 1 सितंबर को यह फैसला होगा कि प्रभुनाथ सिंह को कितनी सजा दी जाए। इसको लिए प्रभुनाथ सिंह को सशरीर जो है कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया गया है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।